जीतने वालों को मेरा सलाम, क्योंकि एक दिन हर कोई जीतेगा। डेविड गॉगिंस कहते हैं कि जिस दिन से मैंने नेवी सील की डॉक्यूमेंट्री देखी, उस दिन मुझे लगा कि घर से निकलने का यही रास्ता है। ये लोग जिस तरह की ट्रेनिंग कर रहे हैं, ये लोग जितने शारीरिक और मानसिक कष्ट से निकल रहे हैं, ये अनुभव मेरे अंदर का फाइटर जगा देगा। डेविड कहते हैं कि मैं उस दिन से नेवी सील को अपने दिमाग से निकाल नहीं पाया। मैंने 3 हफ्तों तक देश के हर नेवी सील रिक्रूटिंग ऑफिसर को फोन लगाया कि मैं स्पेशल फोर्सेस का हिस्सा बनना चाहता हूँ। कई ने तो फोन पर मना कर दिया। एक लोकल ऑफिसर ने मिलने बुलाया तो मुझे देखकर वो मुंह पर हंस दिया। कारण था कि मेरा वजन ज्यादा था। लोग देखते ही कहते थे कि तुम नहीं कर सकते। डेविड 135 किलो के थे और ट्रेनिंग में जाने के लिए उन्हें 80 किलो का होना था। एग्जाम की तैयारी करते हुए 3 महीने में 55 किलो वजन कम करना असंभव था। डेविड कहते हैं कि मुझे एक के बाद एक रिजेक्शन मिलते चले गए। जब एक रिक्रूटर ने मुझसे बोला कि एक तो तुम्हारा वजन ज्यादा है, दूसरा 70 साल के इतिहास में केवल 35 अफ्रीकन अमेरिकन ही नेवी सील बन पाए हैं, तुम नेवी सील नहीं बन सकते। डेविड कहते हैं कि ऑफिस के बाहर भरी धूप में मेरा दिमाग घूम रहा था और चक्कर आ रहे थे, लेकिन मेरे अंदर से एक आवाज आई कि अगर मैं 36वां ब्लैक नेवी सील बन गया तो व्हाट इफ आई कुड डिफाई ऑल द ऑड्स। मेरे सामने बहुत सारी मुश्किलें हैं। मैं ठीक से पढ़ नहीं सकता, मैं कंसंट्रेट नहीं कर सकता, मेरा वजन ज्यादा है, मैं इमोशनली टूट चुका हूँ, मैं कोशिश नहीं कर पाता, लेकिन अगर मैं इन सारी मुश्किलों सारी कमियों के बावजूद नेवी सील बन गया तो क्या होगा। डेविड कहते हैं कि कई सारे लोग शिकायत करते हैं कि हम नहीं कर सकते, और हमारे पास इसके कई सारे कारण होते हैं जो सच दिखते हैं। कोई कहता है कि मेरी हाइट छोटी है, कोई कहता है मैं कंसंट्रेट नहीं कर पाता, कोई कहता है मैं आलस नहीं छोड़ पाता, कोई कहता है मैंने अभी तक किया ही नहीं। हम लोग इन कारणों पर ऐसे विश्वास करते हैं कि जैसे ये सच हों, और ये सच बन जाते हैं। डेविड कहते हैं कि ये कारण मेरी पूरी जिंदगी मेरे सामने रास्ता रोके खड़े रहे। दे वर द रूट ब्लॉक्स इन माई लाइफ। जब भी मैं कुछ करने के लिए कदम बढ़ाता तो इन बातों को सोचकर रुक जाता और दुखी हो जाता कि मेरा बचपन कठिनाई में निकला, मैं अंदर से कमजोर हूँ, मैं ठीक से पढ़ नहीं सकता, और मैं रुक जाता। डेविड कहते हैं कि हम सब अपनी लिमिट्स को एक्सेप्ट करके एक बॉक्स में जीने लगते हैं, और ये बॉक्स बहुत आरामदायक है, लेकिन जब हम सपने देखते हैं और इस बॉक्स के बाहर जाने की कोशिश करते हैं तो मानसिक और शारीरिक तकलीफ होती है। अधिकतर लोग जो थोड़े बहुत मोटिवेटेड थे, वे लोग तकलीफ का सामना करके रुक जाते हैं, लेकिन कुछ लोग जो इस बॉक्स के बाहर टिके रहते हैं, उन्हें शुरुआत में और ज़्यादा दर्द झेलने पड़ते हैं, क्योंकि आपका सबसे बड़ा दुश्मन है सेल्फ डाउट। डेविड कहते हैं कि जब मैंने 55 किलो 3 महीने में कम करने की कोशिश की तो आसपास लोगों ने कहा ज्यादा उम्मीद मत करो। जब लोग कहते हैं कि आप नहीं कर सकते तो लोग अपने अनुभव से कहते हैं और अपनी लिमिटेशन का रिफ्लेक्शन आपके ऊपर डालते हैं। अगर लोगों को लगता है कि वो खुद नहीं कर सकते तो उन्हें दिखता है कि आप भी नहीं कर सकते। डेविड कहते हैं कि लोगों के डाउट ने मेरे अंदर सेल्फ डाउट जगा दिया। मुझे रात भर नींद नहीं आती थी, फिर मैं सील का रिटन टेस्ट भी क्लियर नहीं कर पाया, तो बचपन भर की नेगेटिविटी दोबारा सामने आ गई कि मैं स्कूल पास करके भी अनपढ़ जैसा हूँ, मेरा कोई फ्यूचर नहीं है। लेकिन दो सच मुझे दिख नहीं रहे थे। पहला कि एक अलग करियर मेरा इंतजार कर रहा है, दूसरा सेल्फ डाउट का दर्द सबसे बड़ा दर्द होता है। दोस्तों, आपका सेल्फ डाउट ही आपको रोकता है। आप खुद से क्या कहते हो, अकेले में खुद से कैसे बातें करते हो और कौन सी बातें आपके दिमाग में चलती रहती हैं, इसका आप पर सबसे ज़्यादा असर होता है, क्योंकि आप वैसे ही एक्शन भी लेते हो। डेविड कहते हैं कि सेल्फ डाउट दिमाग का बड़ा नेचुरल रिएक्शन है। कई बार आप इसे पैदा होने से नहीं रोक सकते, लेकिन आप सेल्फ डाउट को कमज़ोर कर सकते हो, उसे चैलेंज कर सकते हो। डेविड कहते हैं कि मैं सेल्फ डाउट को उलट देता हूँ और खुद से कहता हूँ कि हाँ, ये सारी मुश्किलें हैं, लेकिन अगर मैं इनको पार कर गया तो क्या होगा। जो इंसान इन सब मुश्किलों के बावजूद ये सब हासिल करेगा, उसमें कितनी दृढ़ इच्छा शक्ति होगी, उसका अपने मन पर कितना कंट्रोल होगा, ऐसा इंसान क्या नहीं कर सकता। व्हाट इफ आपको याद दिलाता है कि आपको कई सारी बातें नहीं पता। जब तक आप एड़ी चोटी का जोर ना लगा दो, तब तक आपको ये कभी पता नहीं चलेगा कि आप किस काबिल हो। जब भी आपके मुंह पर परेशानी हो,
कि आपको लगे कि आप कितने नाकाबिल हो, तो आप खुद से पूछिए, अगर मैं इस डर को हमेशा के लिए पार कर गया तो क्या होगा? अगर मैं सच में कंसिस्टेंट रहना सीख गया तो क्या होगा? अगर मैं हर दिन 100% देने लगा तो क्या होगा? अगर मैं दूसरों की बात पर रिएक्ट करना बंद कर दूं तो क्या होगा? अगर मैं सच में खुद को अपने लक्ष्य के लिए समर्पित कर दूं तो क्या होगा? व्हाट इफ आपको सारे डाउट्स को पार करके अपने लक्ष्य को देखने की ताकत देता है, आपको याद दिलाता है कि आप चाहो तो क्या नहीं कर सकते। दोस्तों, समरी में सबसे बड़ा दर्द सेल्फ डाउट का होता है, क्योंकि आप 24 घंटे खुद से बातें करते हो। जब हम केवल प्रॉब्लम्स को देखते हैं, तब हम इस बात पर यकीन करते हैं कि जो हम अभी तक नहीं कर पाए थे वो हम आगे भी नहीं कर सकते, और इस चक्कर में हम ये भूल जाते हैं कि फीडबैक, ऑर्गेनाइज प्लानिंग, रिपीटेशन और तमाम तरह के टूल्स व एक्शन की मदद से हम नया रिजल्ट पैदा कर सकते हैं। जब भी आप व्हाट इफ पर ध्यान दोगे तो आपको एक जुनून महसूस होगा, अपनी मेंटल और फिजिकल एनर्जी में अंतर महसूस होगा। सवाल ये है कि क्या आप इस जुनून को जिंदा रख सकते हो? क्या आप बदलाव लाने के लिए इसका लाभ उठा सकते हो? दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आप सच में खुद को बदलना चाहते हो, तो एक दिन में खुद को बदलने की गलती बिल्कुल मत करो। इसकी जगह नेगोशिएशन टेक्निक का इस्तेमाल करो, जो आप अगले वीडियो में देखिए या बात के लिए सेव कर लीजिए, क्योंकि आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूँगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।